माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। सबसे प्रेम को जो मेरी कथा है, कथा क्या कहानी है छोटी सी, अभी तक तो भजन ये सब सुन रहे थे, तो संगति, संगीत संगति तो सबकी अच्छी है, जो जुआ खेलता है उसको जुए की संगति अच्छी लगती है, जो शराब पीता है उसको शराब भी अच्छी लगती है, सबको अपनी अपनी संगति अच्छी लगती है, वो इंसान को ढूंढ लेता है कहाँ मुझे वो चीज़ मिलेगी। तो मेरी संगति जरा दूसरी है। जब भगवान कृष्ण की कृपा हो तो कोई ना कोई सहारा, मित्र, सत्संगी बनकर आपके अच्छे रास्ते को दिखा ही देता है। श्री कृष्ण नाम ही भवसागर की नैया पार कराने का मार्ग है। इस पर एक छोटी सी कहानी। एक भंवरा हर रोज फूलों के बाग में जाता और फूलों का रस ग्रहण करता, और रास्ते में जब वो जाता तो रास्ते में एक गंदा नाला पड़ता था, वहां एक कीड़ा रहता। एक दिन भंवरे की नजर उस कीड़े पर पड़ी। उसने सोचा ये कैसे ही जगह पे रहता है। भंवरे ने कीड़े से पूछा, भाई तुम मेरा मित्र बनोगे, तुम्हें मैं इस गंदगी से हटा सकता हूँ। कीड़ा बोला, अरे भाई मेरा ये घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, मेरे लिए तो यही पवित्र स्थान है। तब भंवरे ने कहा, मैं तुम्हें जहाँ मैं रोज जाता हूँ वहाँ लेकर चलूँगा, तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती निभाते रहो। भंवरे ने कहा, मैं कल आऊँगा, तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भंवरे ने कीड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और बाग में ले गया जहाँ वह रोज जाया करता था। भंवरे ने कीड़े को एक फूल पर जाकर बिठा दिया और स्वयं फूलों को जाकर रस चूसने के लिए चला गया। भाग्य का खेल। भंवरा शाम को कीड़े को ले जाना भूल गया, वो भंवरा उस फूल में ही रहा। शाम होते ही वो फूल बंद हो गया। अगले दिन सुबह माली आया। माली ने फूल को तोड़ा, माला बनाई और पुजारी को दे दी। पुजारी ने बांके बिहारी के अभिषेक करने के बाद वो माला भगवान कृष्ण के गले में डाल दी। अगले दिन उतार कर माली ने यमुना में प्रवाहित कर दी। कीड़े का ने सब ज्ञान हो रहा था अंदर से। कीड़ा मन ही मन मित्र को कह रहा था, वारे मेरे दोस्त, मेरे भंवरे, तेरी दोस्ती ने मुझे भगवान का स्पर्श करवा दिया ताकि मैं उसके गले में पड़ा रहा। और अंतिम समय में यमुना जी में प्रभावित हो गया, तेरी दोस्ती ने मुझे भव सागर से पार करवा दिया। ये भंवरा और कोई नहीं है, ये भंवरा कोई और नहीं है, जीवन में मिला हुआ एक अच्छा मित्र जो इस भव बंधन के सागर से दूर, बहुत दूर ले जाने में सहायता करता है। ऐसा ही सत्संगी मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, अच्छी संगत में सब जुड़े रहें, यही प्रार्थना है मेरी। ये कीड़ा भी एक था पर मैं गोपी जी के में आके मैं भंवरे के साथ रह के मैं दिखा रही। धन्यवाद।